कजरिया लागे। जी हाँ बताइए, आपकी सारी पूरी स्टोरी जो है वो एकदम हाँ। अच्छे से बताइए ताकि लोग सुने कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा फील हुआ आपको, सब कुछ है ना, सब बताइए। 7 साल से है। 7 साल से दवा हर लोग से करा, स्किन डॉक्टर से भी, अंग्रेजी होम्योपैथिक सारी दवा करा, आयुर्वेदिक सारी दवा, तभी नहीं ठीक हुआ। तो फिर एक लोग बोली जैसे जिसको दांत खुजली होती है, जालिम लोशन लगा लो। जालिम लोशन ये कौन सा जालिम है भैया? उससे चमड़ा निकलता है। अच्छा दवे से वही लगा ली, चमड़ा निकलेगा, चमड़ा तो निकल गया और इतना दूर एकदम काला हो गया, और 1 साल तक एकदम काला था, वो जान नहीं रहा था एकदम। तो मुझे हम रो रहे थे, कौन कौन नहीं कह रहा था, क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे, क्या हो गया, कितना गंदा लग रहा था, लोग हंस भी रहे थे। तब करते करते तब आपकी वीडियो 1 साल पहले मिली थी, लेकिन हम कुछ ऐसे ही होगा तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, छोड़ दिए, फिर मेरा चेहरा जल गया, वैसे ही खराब ना हो जाएगा, काला काला हो गया था। तो फिर अभी रमजान से 2 दिन पहले फिर आपकी वीडियो देखी, तुमने एक भी वीडियो छोड़े नहीं, पूरी वीडियो देखा ले, देखते 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 फिर एकदम यकीन हो गया, फिर सारा मंगा के यूज किए, 15 दिन बाद से हमको रिजल्ट मिलने लगा। इतनी खुशी कि क्या बताएं, बहुत लोग मेरे चेहरे देख देख पूछते हैं क्या लगाती है। यहाँ फिर ससुराल में आई, मायके में थी, वही शुरू की थी, बिना करे लोग भाभी अपनी खूबसूरती का राज बताइए क्या लगाती है, आपका चेहरा एकदम अजीब अलग सा एकदम ग्लो करता है। तो हम लोग भी लगाए, हम लोग का, हमका तुम लोग का नहीं करेगा, हम दवा करते हैं ऑनलाइन, हर लोग नहीं लगा सकते। हाँ किसी को भी आप मत बताइए कि कैसे, उनको डाली बात बात करी बात करनी बता दीजिए, हमने यहाँ से क्या, आप भी अपना बात करने की कोशिश की, आपकी बात हो जाएगी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, समस्या अलग होती है, तो सबकी हर चीज अलग होती है, तो आपको जो चीजें जरूरी नहीं कि वही चीज दूसरे को भी हो, सही है ना? सही बात। अब आपको मुझे कोई बीमारी है तो जरूरी थोड़ी दूसरे को भी वही बीमारी हो, कुछ डिफरेंट हो, उसकी दवा डिफरेंट हो, मेरी दवा डिफरेंट हो, या मुझे बुखार है तो मुझे कोई दूसरा बुखार हो, किसी और को दूसरा सेम दवा काम ना करे, या कुछ भी ए टू जेड तो नहीं करना चाहिए, और इस तरह से बता दीजिए उसको, आपने जहाँ से किया बता दीजिए, खत्म हो गई बात, और नहीं तो ढूंढ लेंगी वो खुद ही, जैसे आपको मैं मिल गई वैसे उनको भी मैं मिल जाऊंगी, अगर मैं उनके साथ में हूँ इंशाल्लाह। जी जहाँ भी शादी में जाते हैं यही लगा के बस ये लगा के चले जाते हैं, और ये सब लगा होगा के एकदम चमकती सारी लड़कियाँ, क्यों एकदम अलग दिख रहा है, क्यों चमक रहा, हम उसका नहीं चमक रहा है, उनका भी मेकअप कुछ नहीं कर रहा है, क्या लगा के आ रही है। अच्छा आप देखिए कि आपके वीडियो के थ्रू बोल दूं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपने कोई जालिम लोशन लगाया है ना, मैंने पहली बार इसका नाम सुना, और जो भी आपकी वीडियो में सुने तो वो ट्राई ना करे ऐसा कुछ भी, है ना, और उससे आपका फेस ज्यादा डैमेज हो सकता है, खतरा है, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी इस वाली जालिम वाली बात से एग्री नहीं करती हूँ, और मैं सबको यही कहूंगी कि ऐसी कोई भी चीज को बिना सोचे समझे जांचे परखे अपने फेस पे मत अप्लाई करें। आप क्या कहती हैं, करना चाहिए या नहीं? नहीं करना, नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए, है ना? आपको मैंने मेरी भी जो बम्पर रेमेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये कहा कि आप लोग उसकी जांच पड़ताल कीजिए अच्छे से, उसके बारे में नॉलेज निकालिए, गूगल से निकालिए, आस पड़ोस से निकालिए, डॉक्टर से निकालिए, सारी चीजें, उसके बाद अगर आपको तसल्ली होती है और आप यूज करना तब चाहती हैं तब आप यूज कीजिए, वो भी मेरी गाइडिंग के अंदर, और नहीं तो आप मत यूज कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है? आपको आपका जो चीज आ गया है, आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ मेरा यूज करो बाकी सबका खराब है, आप यूज मत करो, मैं सबसे पहले खुद को नंबर वन पे रखूंगी और कहूंगी कि मेरे बारे में भी आप इतबार मत कीजिए, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, जो चीज आपके सामने आई है उसकी जांच पड़ताल आप कीजिए, और देखिए समझिए कि आखिर जो चीज आपके सामने आई है वो है क्या चीज,
उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, फिर उसकी ये देखिए कि आपके हेल्थ में हेल्थ कोई इशू तो नहीं है, जैसे कि थायराइड पे है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है। ये लोग जो है वो बम्पर रेमेडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडी यूज़ नहीं कर सकती, हमको कोई बीमारी नहीं यूज़ कर सकती, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है फीडिंग मदर वो भी यूज़ नहीं कर सकती, जो गर्भवती महिला है वो भी यूज नहीं कर सकती। ये सारी चीजें सोचिए, वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखिए, और वीडियो पिछली जब देखेंगे आप तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन किया वो पढ़िए, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर भी ना समझ में आए तो किसी जानकार की मदद, सलाहकार की मदद लीजिए, और फिर मेरी चीज को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें इतना सब कुछ करने के बाद तो कीजिए, मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, आपकी आपकी दवा आंख बंद करके यूज कर सकता है हर कोई, डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम बेफिक्र, बस सनस्क्रीन रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो लगाए जहाँ जी चाहे वहाँ जाए। भी अगर आपका दिल चाहे तो, मैंने सब कुछ आप लोगों के ऊपर ही छोड़ा है, ठीक है, अगर आपका दिल चाहे तो कीजिए, नहीं दिल चाहे तो मत कीजिए, सीधी सी बात है। पहले तो रेड हो जाता था, अब नहीं होता है। हाँ, रेड होने का मतलब ये है कि आपका पिगमेंटेशन अभी बाकी है ना जी। आपके पिगमेंटेशन के का जो एरिया है वहीं पे वो रेड होगा, उसके आगे पीछे कुछ रेड नहीं होगा, क्योंकि वो पिगमेंटेशन पे काम कर रहा होता है और वहीं पे वो जो है रेडनेस आती है, वहीं पे जलन होती है, रेडनेस आती है, जो भी प्रॉब्लम होती है वहीं पे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो बहुत अच्छे से सोचिए ये सब क्या है, जालिम लोशन, मैंने तो पहले भी नहीं, कभी सुना ही नहीं मैंने। आप फ्लिपकार्ट पे देखिएगा, सर्च करके फौरन आएगी वो शीशी, 30 की आती है, 30 रुपए की जालिम लोशन ला जी, जला दिया था, इंसान का जलता है आग से वैसा जला था, अल्लाह ऊपर एकदम ब्लैक, एकदम काला हो गया था, एकदम समझिए, बस किसी के सामने मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक साल फिर भी झेली हूँ, फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते आपकी वीडियो मिली, यूट्यूब पे कोई यकीन तो करता नहीं इतना जल्दी, बस आ रहा है घरेलू से, तो मेरा दिल ही एकदम उठ गया था। जो लोग डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं और दूसरे के बहकावे नहीं होना होते हैं, नहीं होना है ना किसी के बहकावे में आना है, नहीं मेरी तरफ से एकदम हाँ है, बहकावे में नहीं आना है ना किसी के बात में आना है, कुछ नहीं जी। तो अब आप छोड़, आप अब आपने छोड़ दिया, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के आप जा रही हैं सब जगह सब कुछ, तो आपको कैसा लग रहा है कि वापस आ जाएगा? नहीं, तो आपको 7 साल बताया ना आपने, 7 साल से था आपको जी, तो 7 साल में जितनी सारी चीजें जालिम लोशन के साथ जितनी सारी चीजें आपने यूज किया तो सबसे बेस्ट ये है। हाँ, उसके आप उसमें बम्पर रेमेडी को कितना नंबर देंगे आप? 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा देंगे जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुश हो इसको यूज करके, इसके जी बहुत बहुत, जितना मैं कहूँ उतना कम है। चलिए ऐसे ही खुश रहिए, बस आप ही के लिए हर चीज, आप ही के लिए निकलती है दुआ, कि कहाँ से मिली, एकदम फरिश्ता बन के आई हम लोग की जिंदगी में, जितनी औरतें हैं लड़कियां हैं आजकल, तो लड़कियों को भी है, छोटे छोटे बच्चों को भी है आजकल, क्योंकि खाना पीना सही नहीं है, सोना नहीं है, है ना, ये सारी चीजों की वजह से माएं चिल्लाती रहती है, नाश्ता कर ले, खाना खा ले, भूख नहीं है, भूख नहीं है, बाहर गए, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, पेट भर गया, क्या प्रोटीन खाया, वो सारी चीजें कुछ टाइम तक कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू खाते खाते ये सारी चीजें वो नुकसान कर देती है, और बहुत अच्छी अच्छी बात है, और आप लोग खुश हो जाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आप लोगों की जीत में ही मेरी जीत है, आप लोग जब जीत जाते हो ना तो आप लोग जब मैं भी जीत जाती हूँ, शादी में जाती हूँ या कोई कह देता है तो मन करता है आपको एकदम गले लगा लूं, कहीं से मिल जाए मतलब पकड़ लू, गोरखपुर से आगे है, गोरखपुर, हाँ अच्छा, गोरखपुर की शादी जी। देखो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, कि बम्पर रेमेडी को लेकर
मतलब क्या उनकी जैसे नेगेटिव सोचते हैं लोग, उनको बहकाते हैं भड़काते हैं कि आप यूज मत करो, ऐसा है फिल्टर है। कई कमेंट भी मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैडम आप फिल्टर मत लगाओ, ठीक है जी। तो क्या आपने इस वक्त फिल्टर लगा रखा है? नहीं, फिल्टर की जरूरत ही नहीं है, तो फिल्टर जैसा चेहरा ही हो जा रहा मुझे है। फिल्टर लगाने की उसको जरूरत पड़ती है जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, जी ठीक है, जी कि मेरा लगा के ऐसा हो गया देखो, कि मैं तो सेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको कुछ भी नहीं बेच रही और ना किसी को मैंने बेचने की इजाजत दी है, ठीक है। तो फिल्टर लगाने की जो जाहिल लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, उन जाहिलों के लिए मेरी तरफ से मैसेज है कि जो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं ना, वो फिल्टर लगा के अपना खूबसूरत फेस देखते हैं, दिखाते हैं फिल्टर वाला फेस, और कहते हैं कि ये वाले क्रीम से ही मेरा फिल्टर वाला फेस बन गया है, ठीक है। तो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ और ना नहीं। कोई भी चीज नहीं सेल कर रही हूँ, तो मुझे फिल्टर लगा के लोगों को गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, तब नहीं। अगर मेरा कोई फायदा होता और मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर रही होती ना, तब अगर ये बात बोलते तो ये सुनने में भी अच्छा लगता, और जो लोग इस तरह से कमेंट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है, शायद दिमाग की कमी है। बददिमाग किस्म के जो लोग होते हैं वही होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम काज होता नहीं, कभी इस चैनल कभी उस चैनल पे जाके थोड़ा भड़ास इधर से उधर से निकाल निकाल के अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो उनको बददिमाग जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं, उनको कह रही हूँ मैं आपके वीडियो के थ्रू कि बददिमाग ये सोचो कि जब मैं कुछ बेच ही नहीं रही हूँ तो मुझे फिल्टर लगा के आपको बताने की क्या जरूरत है। अगर मैं कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही होती तो मैं दिखाती, देखो ये आप खरीद लो और उसके बाद मेरे जैसा गोरा फेस बना लो फिल्टर वाला, ठीक है। हाँ, तो ये सब नाटकबाजी जो लोग करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब कुछ ज्यादा ही चलता है आजकल, फ्रॉड सरॉड दुनिया भर का लूटो, है ना, ये सब चलता है, बेचो प्रोडक्ट। तो जब मैंने तो फ्री में दे दिया आप लोगों को हर चीज, तो फिर जी, यूज कर रहे हो, यूज करके बैठे हो सामने, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं थोड़ी ना आपके कहाँ देवरिया में आई हूँ, मैं तो बहुत देखिए मेरा एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया, आप तो वो लग ही नहीं रहे हो जो फोटो में हो, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा है जर, जो बचा हुआ है थोड़ा सा मामूली सा, बहुत ही मामूली सा है, तो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू थोड़ा सा रहिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सप्लीमेंट वगैरह वो सब लेते रहिए, उसके बाद चाहिए तो सेकेंड रेमेडी दे देंगे आपको। तो इसलिए आप बताओ ना, आपने क्या वो प्रोडक्ट मुझसे खरीदा है? आपने खुद ऑनलाइन मंगाया है ना, मैंने बता दिया आपको, आपको जहाँ से दिल चाहे वहाँ से खरीद लो, मेरा कुछ उसमें वो नहीं है कि भाई हाँ जी हाँ खरीद लो, मैं बेच रही हूँ जल्दी से खरीद लो, मैं मेरी तरह गोरे गोरे हो जाओ, ऐसा 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 तो कुछ है नहीं। तो फिर फिल्टर लगाने की का क्या मकसद है? मकसद तो होना चाहिए, और जो 24 घंटा काम करता है ना, 24 घंटा मैं देखो उसी लेती हूँ, घर के कपड़ों में ही आप लोग के सामने बात करती हूँ, सिर तक नहीं झाड़ती, एक एक हफ्ता 15 दिन 10-10 दिन हो जाता है मुझे कंघी नहीं करती, नहाती हूँ इसी तरह से लपेट लेती हूँ, वो अल्लाह भला करे इस स्कार्फ का कि इसकी वजह से मुझे कंघी नहीं करना पड़ता, ढक जाता है, नहीं तो जितनी बार आऊ ना उतनी बार कोम तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, लाली लिपस्टिक तो नहीं लगा के आती है ना, नहीं, और फिल्टर वाला फेस ना दिखाई देता है कि फिल्टर है या नहीं है, ठीक है। आके बहुत अच्छा है, आप खुश है, हैप्पी हैप्पी है, आप ऐसे ही खुश रहिए, मेरी दुआ है, ठीक है, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी भी बहुत तबीयत खराब हो गई है, दुआ है आपके लिए, बहुत दिल से, जितना कम जितना करे उतना कम है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के प्यारे प्यारे दिल में मुझे अल्लाह ताला ने महफूज किया, आपकी दुआ बहुत दुआ मिलती है, बहुत हर लोग से मिलती है, मैं भी देती हूँ आपको दुआ, क्या होता है देखिए, जितनी मेरी जान है ना, एक इंसान जितना काम कर सकता है, जितनी उसके काम करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं उतना उतना करती हूँ, और बॉडी जब मेरी जवाब दे देती है तो फिर छोड़ देती हूँ, फिर क्या कर सकते हैं, इंसान है, आप ही की तरह हूँ ना, मैं कोई आसमान से उतरी थोड़ी ना हूँ, क्योंकि आप में से एक हूँ। अब मैं देखिए क्या हो गया इस बार, अभी थोड़ा सा मैं कम कॉल ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी तबीयत अभी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, वापस मैंने आपको आपको मैंने बताया नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग है ना घबरा जाते हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अभी से आप 15 दिन पीछे अगर हम जाएंगे ना, तो मुझे फीवर था, फीवर
102, 103 का मैंने लास्ट मंथ भी मेरी तबीयत खराब हुई, फिर जल्दी वापस तबीयत खराब हुई। मसला क्या है, जब हमने रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट में तो अजीबोगरीब सारी रिपोर्ट निकली है जो कि मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब कि मैं सोच रही कि जिंदगी में एक टेबलेट नहीं खाई, इतनी सारी चीजें मेरे निकल गई, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग फिर घबरा जाओगे, ठीक है, इसीलिए नहीं बताती हूँ। और मेरे चेस्ट में है ना बहुत ज्यादा पेन, बहुत बहुत बहुत, इतना इतना कि मैं रो रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने बात करने से मना किया है ज्यादा। हाँ, बात करने से, हाँ, ज्यादा बोलने से, दो साल हो गया, दो साल से मुसलसल कंटिन्यू बिना सोए, मतलब कम सोए के सोता है इंसान, लेकिन जैसे अब 8 घंटा 6 घंटे की नींद ना लेके 2 घंटा सोना बिना छुट्टी के, एक भी दिन ऑफ नहीं किया मैंने, हर दिन मैं आप लोग के सामने आई, चाहे कौन सा भी ऐसा दिन हो, ठीक है, एक दिन मैं बीमार पड़ी, फिर आप लोग को बताया, फिर बीमार पड़ी, तो अब ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार होने लगी मैं, तो मेरे मुझे कुछ डर सा हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है ना। और बुखार इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कि बस बस मौत के मुंह से बुखार निकल गया। हाँ, बैठी रहती हैं, बोलती रहती हैं, हाँ, इसीलिए सब बोल बोल के मेरी चेस्ट है ना, मेरा चेस्ट जो है वो वीक हो गया। और 4-4 बजे रात तक काम करती हूँ, जो सुबह का नाश्ता है दोपहर में, दोपहर का खाना। आप जन्नत कमा रही हैं जी, हाँ, सबसे दुआ लेकर, ठीक है, तो डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी बात करती हूँ मैं, अब क्या करूं, क्योंकि क्या करूं, सब लोग परेशान हो रहे होते हैं तो मुझसे नहीं देखा जाता, मैं आ जाती हूं, बीमार हूं या कुछ हूं, कैसी भी हूं, आ जाती हूं, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती हूं कि जो मेहनत मैंने की है वो रंग लाए, और आप लोग अच्छे से कीजिए, ताकि मेरी मेहनत जो है, जो जो मैं इतना कड़क जो मेहनत कर रही हूँ, वो सफल हो, कामयाब हो, है ना, और आप लोग उस, आप लोग अच्छे से उसका फायदा उठा लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है, और अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, मजे मस्ती कीजिए, भूल जाइए अभी सबको, जो पहला हो गया हो गया, अब जो नया है, नए फेस के साथ नए जिंदगी का, खुशी का स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, और अच्छे से रहिए बस, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप ही मेरी अम्मा को अच्छी है। मैंने तो कुछ किया, अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ताला ने कर दिया, अल्लाह ताला ने। जब मोबाइल पे कुछ आ जाएगा, मम्मा ये लगाइए, मम्मा वो लगाइए, अब ला के देगा, अब नहीं करता, मम्मा का चेहरा चेंज हो गया, कहाँ चला गया आपका? अच्छा हो गया मम्मा का चेहरा, मम्मा का, अम्मी अच्छी हो गई, पसंद आ गई मम्मी आपको, अच्छी हो गई, अच्छी हो गई। फिर मुझे मुझे क्या मिलेगा, मेरा फिर गिफ्ट कहाँ है? मैंने तो आपके अम्मी को गिफ्ट कर दिया ना, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट गिफ्ट दे दो, फ्लाइंग किस कर दो, मेरा गिफ्ट तो दे दो, गिफ्ट आज जाने दो, फिर छोड़ दो, मैं नहीं ठीक करूंगी अब आपका, अब आपका मैं ठीक नहीं करूंगी, मुझे गिफ्ट मिला ही नहीं। ऐसे उम्मा उम्मा दे दो, उम्मा मेरा गिफ्ट दे दो, शर्मा गए, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा रखे, हम लोग अच्छा किए हैं, अल्लाह ने अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ठीक है, मेरा मत शुक्र अदा कीजिए, रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा, जरिया आप बनी हैं, अल्लाह तआला अच्छा किया, अल्लाह रब जो जरिया तूने बनाया मेरे फायदे के लिए, तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा भी और तेरे जरिए का भी शुक्र, और तेरा शुक्र सबसे पहले हजारों मरतबा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा, ठीक है। हज करने नहीं गई आप? चली जाइएगा। कहाँ हज करने? हज करने जब अल्लाह बुलाएगा तब तो जाएंगे ना, वहाँ से जब तक किसी का बुलावा नहीं आता नहीं जाता। वैसे तो आपका यही हज हो जा रहा है, सबकी दुआ ले लेंगे, अल्लाह ताला आपको बस भेज दे, आप चली जाइए, आपका हज हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला जब चाहेगा बुलाएगा, हुआ करना, अल्लाह से हमारा काम है ना, अल्लाह से कहिए, अल्लाह ताला को मनाइए, अल्लाह को कहिए कि मुझे नहीं, हम जब से सुन रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, अब आ रहे हैं, तो बार बार यही कह रहे हैं आपकी बस चली जाए। जी जी इंशाल्लाह जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, अल्लाह ताला सबकी सुनता है, आप लोग इतनी दुआएं, तो अल्लाह ताला जरूर सुनेगा और मुझे जरूर बुलाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है जब अल्लाह बुलाएगा उस दिन देर नहीं होगी, बुला लेगा अल्लाह ताला, जिस दिन मेरा वक्त हो जाएगा ना उस दिन अल्लाह ऐसे बुला लेगा मुझे अपने घर,
है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, कहिए कि मुझे बुला ले अल्लाह ताला, क्या पता लोगों की दुआ काम आ जाए, जल्दी बुला ले। आएगी, काम जरूर आएगी, क्या पता, इसीलिए कहते हैं ना, क्या पता किसकी दुआओं में कौन सी असर है, किसकी दुआ तक चली जाए। बम्पर में भी पता नहीं किसकी आंसू अर्ज तक गए हैं, किसकी दुआ कबूल हुई है जो कि हम सबको मिली। मैं कभी नहीं कहती कि मेरी दुआ कबूल हुई इसलिए मुझे मिली, क्या पता मेरी जरिए से किसकी दुआ अल्लाह ताला को कबूल हो गई, अल्लाह ने कबूल कर लिया और ये सारी चीजों से अल्लाह ने हम सबको नवाज दिया और ये सारी मुसीबत से हमें छुटकारा मिल गया। आमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लड़की की अच्छी जगह शादी लग जाए। आमीन 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 आमीन। सब बेटियों के लिए दुआ कीजिए, जितनी बेटियां हैं ना, सब बेटियों के नसीब अल्लाह ताला बुलंद करे, आला निराला करे। अल्लाह ताला जितनी बेटियां मुझे देखती है सुनती है उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके नसीब को इतना अच्छा करे, उन्हें ऐसा शौहर दे कि अल्लाह ताला उनको उनकी लड़कियों की इज्जत करे, उनसे मोहब्बत करे, है ना, और यहाँ पे बिठा के रखे उन लड़कियों को, है ना। कभी कभी भी किसी की भी बेटी जो है वो मेरी बेटी है, किसी भी बेटी के कभी भी आंखों में आंसू का एक बूंद ना आए, अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ। और उन सब के सदके अल्लाह ताला मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे कर दे जी, है ना। सबकी बेटी सब अच्छी होती है, सबकी बेटी करेंगे अल्लाह ताला, आप तो सबके लिए दुआ करती हैं, सबकी नसीब अच्छे हो जाए अल्लाह ताला। सबकी बेटियां जो मुझे सुनती है देखती है अल्लाह ताला सबकी बेटी के नसीब बुलंद कर दे और अच्छे अच्छे घरों में सबकी निभा कर दे अल्लाह ताला, ठीक है। सबके लिए दुआ करने का फोन रखे हैं हम, हाँ सच्चे मत रखिए, यहीं बैठे रहते हम, फिर मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, ये मान लो।